हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो टिप नंबर पहला है हमारे इस तरीके के जो है किचन टॉवल को लेकर के। तो फ्रेंड्स, देखा होगा कई बार हम जो किचन टॉवल ले लेते हैं बट हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि इस तरीके का लूप बना हुआ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस टॉवल में लूप बना होता है तो उसको हम आसानी से हैंग कर लेते हैं, बट जिन में नहीं होता है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रबड़ लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उस रबड़ को फैला करके मैंने इसमें बीच में एक नोट लगा दिया है, जिससे कि ये इस रबड़ के टू पार्ट हो गए हैं। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मैंने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट को लेकर के हमें कुछ इस तरीके से नैपकिन में जो है लगा देना, अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इसमें फ़िक्स हो चुकी है, इसको हमने लगा दिया है। और जो सेकेंड पार्ट है उसको फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं हैंग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमें किचन टॉवल इस तरीके से हैंग करनी हो तो बहुत आसानी से ये हैंग हो जाती है, बिल्कुल भी आपकी जो है टॉवल ख़राब नहीं होने वाली। बिल्कुल भी आप टॉवल में अपने जो है कोई भी छेद नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है उससे। इस तरीके से आप अपना जुगाड़ कर सकते हैं और काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से हैंग करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरीके की जो है वेल्ड को लेकर के। तो फ्रेंड्स, वेल्ड जो है हमारे घर पर सभी के होती है और उसको ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स वेल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा जगह में आ जाती है और इसको हमें पता नहीं होता किस तरीके से हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि इस तरीके से, तो जैसे कि ऊपर की साइड में हमने इसको निकाला है, तो इस तरीके से तो वेल्ड को जो है लगाया जाता है या बांधा जाता है। हमें इसके अपोजिट साइड में करना है, हमें अंदर की साइड में इसको निकालना है। देख सकते मैं आपके सामने दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें इसको अंदर की साइड करना है, और कुछ इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करते जाना है। बहुत आसान टिप्स है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से आप अपनी सभी वेल्ड को ऑर्गेनाइज करके बहुत कम स्पेस में रख सकते हैं। बहुत यूज़फुल टिप्स है, एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरीके की सॉस की बोतल को लेकर के। अक्सर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सॉस की बोतल का अक्सर कैप जो है खो जाता है, गुम हो जाता है, या फिर किसी भी बोतल का कैप जो है गुम हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है सिल्वर फॉइल पेपर, जो कि अक्सर सभी के घर पर आसानी से जो है मिल जाता है। और इसको हमने जो है चार फोल्ड जो है हमें करने हैं, देख सकते हैं, चार जो है तय हमें लगानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, यहाँ पर अभी टू थी, अब यहाँ पर मैंने फोर फोल्ड जो है मैंने इसके कर लिए हैं, फोर जो है तय इसकी हो चुकी हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई इस तरीके से देखनी है, ताकि इसका जो कैप हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से इस पर फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा ना रहे। तो इस तरीके से हमने जो है इसका मेजरमेंट ले लेना है किसी भी बोतल का जिसका आप कैप बना रहे हो। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें जो है फिक्स कर देना है इस तरीके से। फ्रेंड्स हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हाथों से कर दोगे तो फ्रेंड्स ये बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आपने जो है शुरू में हल्के हाथों से इसका कैप बना करके रेडी कर लेना है। और ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना अच्छे से और सिर्फ दो सेकंड में ये कैप बन करके रेडी हो चुका है। तो आपकी कोई भी बोतल का जो है सामान ख़राब नहीं होगा, इसलिए आप उसको कैप करके रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी टिप्स है। और नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इस तरीके की सीज़र को लेकर के। अक्सर हमारे घर पर सीज़र होती है बट उसको जब धार उसकी कम हो जाती है तो फ्रेंड्स हमें मार्केट जाना पड़ता है उसकी धार लगाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको घर पर ही धार लगाना जो है बता रही हूँ। आप इस तरीके से कांच की कोई भी बेंगल ले लीजिएगा और उसको कुछ इस तरीके से चलाइएगा। कैंची को हमें इस तरीके से चलाना है जैसे कि आप बेंगल्स को कट कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप इसका यूज़ करोगे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी धार जो है हमारी कैंची में लग जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपसे इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप जो भी बेंगल है उनको पहन लीजिएगा, और पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से आप इसमें जो है धार लगा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आपको सेफ्टी जो है रखनी होगी।
लेकिन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसमें जो है धार लग जाते हैं, बिल्कुल भी आपको मार्केट के जो है चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टिप्स कौन सी लगी और आप कहाँ से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ जाकर के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरीके की जो है नारियल की या झाड़ू को टिप्स लेकर के। जब भी फ्रेंड्स हम नारियल की झाड़ू को यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से पीछे की साइड में जो है हमारे हाथ वगैरह में जो है ये लग जाती है, ब्लड वगैरह निकल जाता है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक जुगाड़ लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर हमने लेना है एक पुराना सॉक्स और सॉक्स लेने के बाद में इसको पहना देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जो है इसको बहुत आराम से इसको पहना देना है। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपके झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है आपके हाथों में, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम क्लीनिंग का काम करते हैं तो नारियल की झाड़ू अक्सर हमारे घर पर होती ही है। तो आप आज से इस तरीके से इसको यूज़ करिएगा, बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं लगेगी और आप इसको आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं और इसको निकाल करके धो भी सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी बैलून को लेकर के। फ्रेंड्स जब भी हम मार्केट से झाड़ू लेकर के आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे नीचे की साइड होती है अक्सर ये यहाँ से हमारी जो है झाड़ू टूटने लग जाती है, और यहीं से हमारी झाड़ू जब टूटने लग जाती है तो वो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी झाड़ू ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, तो उसके लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपने लेना है एक बैलून, और एक बैलून को आपने जो है 4 से 5 पीसेज में जो है कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 3 ही पीसेज में इसको कट किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने बैलून को जो है कट कर लिया। बहुत आसानी से ये बैलून कट हो जाते हैं और बहुत ही यूज़ में आने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने जो है इनको कट कर लिया है, और कट करने के बाद में हम जो ये झाड़ू की प्रॉब्लम है इसको बहुत आसानी से सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो चुका है, एक रबर ड्राइव का जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने देखिए झाड़ू को कुछ इस तरीके से ये बैलून को जो है पहना दिया है, और इस तरीके से पहनाने के बाद में जो आप कमाल देखने वाले हो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा होने वाला है, जिससे कि आपके झाड़ू कम जो है टूटेगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये चल पाएगी। इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम अपनी रोज़ की लाइफ को जो है इजी बना सकते हैं। अपने जो है छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जो है मनी को सेव कर सकते हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर पर जो है इन चीज़ों को यूज़ करके अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने जो है मनी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से झाड़ू को ये पहना देना है। देख सकते हैं आप कितने ईजिली इसको मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं या फिर कम भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करोगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये नीचे की साइड से झाड़ू हमारी नहीं टूटेगी, और जब नहीं टूटेगी तो ये काफ़ी समय तक चलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।